दोस्तों इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल असनिक स्टडी, साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं मेरे सारे अपडेट्स सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओशियनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज शुरुआत में ही कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक मुद्दा लेकर आया हूँ आज, जो 70 वर्षों से चलता आ रहा है और अब ख़त्म होने वाला है। जो 70 वर्षों से क्या चलता आ रहा है, 370, जी हाँ, अनुच्छेद 370 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 कहा जा रहा है। तो आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे। तो संक्षेप में, अनुच्छेद 370 है क्या, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन हाँ संक्षेप में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का, मैं कहूँगा विशेष नहीं, अति विशेष राज्य का दर्जा देता था, इसके आधार पे संसद की शक्ति सीमित कर दी गई थी। जी हाँ, संसद की शक्ति सीमित कर दी गई थी। इसका अर्थ है कि जितने भी कानून संसद से पास किए जाते हैं और अन्य राज्यों के लिए लागू किए जाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किए जाते थे। जितने भी कानून बनाए जाते थे उसमें एक क्लॉज होता था या एक शब्द या एक वाक्य होता था कि ये कानून यहाँ लागू होंगे, और क्लॉज होता था जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होंगे। तो इसी विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 370 हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है, या हटाया जा रहा है, हम लोग यह देखेंगे। कुछ लोग कहते थे, कुछ लोगों का तर्क था कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह लागू किया था, यानी जम्मू कश्मीर में जो लागू किया गया था, वह उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही हटा जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 370 जो है अस्थाई रूप से लागू किया गया था, जब वह सरकार अंतरिम सरकार बनी थी वहाँ पर। अंतरिम सरकार का अर्थ होता है कि स्टेबल सरकार नहीं बनी हो, अंतरिम सरकार जब बनी थी तो उसी समय लागू किया गया था। और तो अंतरिम सरकार तब तक ही लागू होना था, तब तक ही 370 लागू रहना था जब तक सरकार स्टेबल ना हो जाए, लेकिन बाद में इसे रोका नहीं गया, ख़त्म नहीं किया गया, तो यह ख़त्म नहीं हुआ और यह एक अस्थाई तौर पर था। और इसमें संविधान में एक चीज़ बहुत ही प्रमुख है और सुप्रीम कोर्ट भी इसके विषय में बात करती है, जो है मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। जी हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो कुछ लोग कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर इसे टूट जाएगा, जो असंभव है। बेसिक स्ट्रक्चर टूट ही नहीं सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में 370 कभी शामिल ही नहीं था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या करती है उसमें 370 कभी शामिल नहीं था, जबकि यह 370 बेसिक स्ट्रक्चर की अवमानना करता है। अवमानना कैसे करता है? तो संसद की शक्ति को सीमित करता है, और संसद ही संविधान में सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने की, जिसकी शक्ति को सीमित करता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और हमारा भारतीय संविधान क्या है? एक जीवंत संविधान है, जीवंत है। जी हाँ, लचीला संविधान भी है और कठोर भी है हमारा संविधान। तो हम समय समय पर जब आवश्यकता हो तो संविधान निर्माताओं ने इस संविधान को जीवंत बनाया, ताकि समय समय पर आवश्यकता होने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। तो अब जैसे हरी सिंह के द्वारा, हरी सिंह और उस समय के प्रधानमंत्री जी जो थे, उनके द्वारा यह लागू किया गया था, और यह पूरी तरह 1954 में लागू हुआ था, और
जैसे संसद की शक्ति को सीमित करना या एक कानून लागू नहीं होना, जम्मू कश्मीर में जैसे कानून लागू नहीं होते थे। एक कानून की बात करूंगा, 1988 में एक कानून आया था जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। तो इसमें क्या था कि यदि अगर आप जैसे धार्मिक प्लेसेस है वहाँ पे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर राजनीतिक उपयोग के लिए आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप लोग देखते हो जब भी मुठभेड़ वगैरह सेना और आतंकवादियों के बीच होती है तो इसमें मस्जिद वगैरह में जो लाउडस्पीकर होते हैं उनका प्रयोग कर पत्थरबाजों की भीड़ बुलाई जाती है और सेना पर पथराव कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं 1988 वाले कानून के वहाँ लागू नहीं होने की वजह से भी यह चीज़ हुआ। खैर, अब हम लोग और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि राज्यसभा में ये पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है और आज यानी 6 अगस्त को लोकसभा में इस पर चर्चा होगी और पास ही हो जाना है, क्योंकि यह साधारण बहुमत से पास कराया जाता है। साधारण बहुमत से पास कराया जाता है, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साधारण बहुमत क्या है? 50% प्लस 1, यानी जो उपस्थित सदस्य हैं उसमें 50% प्लस 1 सदस्य यदि पक्ष में वोट करते हैं तो वह पारित समझा जाएगा। जैसे राज्यसभा में यस में 125 और नो में 61 वोट पड़े तो यह राज्यसभा से पास हो गया। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैं बता देना चाहूँगा, जब बी आर अम्बेडकर साहब के सामने यह लाया गया था 370 इसमें संविधान में जोड़ने के लिए, तो उन्होंने पूरी तरह से बहिष्कार किया था इस चीज़ का, यानी यह भी नहीं चाहते थे कि 370 लागू हो। और तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा, अभी का जो 370 लागू हो जाने से क्या होगा, तो यह देखते हैं। 370 जब लागू हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया जाएगा, 2 यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, एक होगा जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख होगा। इसमें विधानसभा और विधान परिषद वर्तमान समय में हैं, लेकिन अब जब यह 370 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ विधानसभा होगा और विधानसभा जम्मू कश्मीर में होगा, ना कि लद्दाख में। जैसे चंडीगढ़ की तरह ही लद्दाख का भी एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं तो उसको देख लेते हैं। ये तो हम लोग देख चुके हैं, 370 हटाने का संकल्प पेश किया। इसमें पहला फैसला क्या है, अनुच्छेद 370 हटेगा, यानी साथ में 35A भी हट जाएगा, क्योंकि 370 से ही 35A को शक्ति मिलती थी। अगला पॉइंट है इसमें, दूसरा फैसला जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग होगा। जी हाँ, हम लोग देख चुके हैं इसको। तीसरा फैसला, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होगा। जी हाँ। चौथा फैसला, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश साथ ही विधानसभा, हाँ दिल्ली की तरह, जैसे हम लोग देख चुके हैं ये चीज़। जम्मू कश्मीर में अलग संविधान नहीं रहेगा। हाँ, बदलाव क्या होंगे, जम्मू कश्मीर में पहले 370 के होने की वजह से अलग संविधान ही था। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, जो ज़्यादातर हर जगह राज्यों में 5 साल का होगा, यहाँ भी वही होगा। दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता होती थी वहाँ के नागरिकों के पास और भारत की भी नागरिकता होती थी, लेकिन अब क्या है, अब सभी इंडियन कहलाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है ये, और भारतीय ध्वज को अपनाना पड़ेगा। अब पहले RTI लागू नहीं होते थे वहाँ पे, कैग का भी वहाँ पे लागू नहीं होते थे, कंट्रोल जनरल
ऑडिटर जनरल जिसे जनता का पर्स का रखवाला भी कहा जाता है, तो ये लागू नहीं होता है, अब लागू होगा वो। और एक बहुत ही बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के लोग संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, तो ये बात बहुत ही फैली हुई है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आज क्या होता है लोकसभा में हम लोग देखेंगे। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी कानून पहले सदन में, एक सदन में पेश किया जाता है, जैसे राज्यसभा में पेश किया गया कल, और उसके बाद दूसरे सदन में पास कराया जाता है। तो जैसे आज लोकसभा में पेश होगा, और वह कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति की स्वीकृति हस्ताक्षर के आधार पर होती है। तो यह होने के बाद यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कानून बन जाएगा और 370 खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आतंकवाद आदि और अल्पसंख्यक वगैरह जिनको वहाँ अधिकार नहीं दिए जाते हैं, अनुसूची 5-6 वहाँ लागू नहीं किया जाता है, तो इन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे कभी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आरक्षण आदि दिए जाएंगे वहाँ के दलित वर्गों को, राजनीतिक रूप से आरक्षण दिए जाएंगे, तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है, और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और बहुत ही खुशी की बात है ये। तो चलिए अब आगे क्या होता है इसके अपडेट हम देखते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।